गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फिफ्थ चैप्टर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं लेट्स सी इट वाइल्ड एनिमल्स लीव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट सम लीव इन फॉरेस्ट और जंगल्स अदर लीव इन वाटर दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड दे लीव वाइल्ड दे डो नॉट वर्क फॉर एनी फूड हंटिंग इज़ देयर चीफ वर्क सम वाइल्ड एनिमल्स आर बिग अदर्स आर स्मॉल तो बच्चों ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट पर रहते हैं किसी के घर में नहीं पाला जाता ना किसी के कमरे में रहता ये एक जंगली जानवर कहते हैं जो नेचुरल जगह में रहते जंगल में ऐसे फॉरेस्ट में कुछ कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और वो जंगली की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनको बचपन से उन्हीं उसी चीज़ का आदत रहता है और वो अपने खाने के लिए हंटिंग करते हैं जैसे हम इंसान क्या करते हैं हंटिंग करता है ना जानवरों का तो उसी प्रकार इन लोग भी जानवर जैसे शेर आपने टीवी में देखा होगा शेर किसको खाता है शेर खाता है या तो उसके से छोटे जानवर को या हम नॉर्मली हम नेचुरल टीवी जो टीवी सोस में आता है उसमें हम देखे होंगे नेशनल जियोग्राफिक में कि शेर क्या करता है हिरण को खाता है दिखाते हुए हिरण को खाते हुए दिखाता है तो उसी प्रकार ये अपने खाने जैसे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए उन पर निर्भर रहता है वो हंटिंग करके ही खाते हैं कुछ जानवर जंगली वाले बड़े होते हैं कुछ और स्मॉल कुछ छोटे होते हैं सी सम बिग वाइल्ड एनिमल्स पहले हम बड़े एनिमल्स को देखेंगे जिराफ रैनासोरस वेल टाइगर लायन एलिफेंट ठीक है ये कुछ बड़े वाइल्ड एनिमल्स हैं ठीक है तो इसमें भी कुछ मांसाहारी है कुछ शाकाहारी है जैसे जिराफ तो आपको पता ही होगा वो किसी जानवर को नहीं खाता वो ना ग्रीन ग्रासेस या बड़े ऊंचे पेड़ों के पत्ते ये सब को खाता है वो ठीक है वेल वेल तो छोटे मछलियाँ को खाते हैं टाइगर आपने देखा ही होगा वो हंटिंग करके खाता है और लायन ये भी हंटिंग करके खाता है एलिफेंट भी अधिकतर बैम्बू का जो पत्ते रहते हैं उसी को ही खाते हैं सम स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स अब हम देखेंगे छोटे वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं जैसे फॉक्स जेबरा स्नेक वुल्फ मंकी टर्टल डियर इसमें भी कुछ जो जानवर खाते हैं या छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं या छोटे जानवरों को खाते हैं और कुछ हैं जो सिर्फ ग्रीन ग्रास को खा के जीवित रहते हैं आगे चलते हैं चलो बिसाइड दिस देर आर अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट लिव वाइल्ड लाइक फ्लाई वॉस बी ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाई लूज बर्ग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन इंसेक्ट इनके अलावा कुछ और भी जानवर हैं जो वाइल्ड रहते हैं ना कि हम कभी उनको पकड़ते हैं ना वो हमारे पास आते हैं जैसे मंकी डियर स्नेक फॉक्स इत्यादि

राइनासोरस डियर जेवरा ये सब है जो प्लांट्स को खाते हैं सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश दे आर कोल्ड फ्लैश सीटिंग एनिमल्स लाइक लायन टाइगर किंगफिशर स्नै और सम एम दम स्नैक्स स्वालो एंड एनिमल्स होल ठीक है तो कुछ एनिमल्स है जो हंटिंग करके खाता है हंटिंग बोलने से क्या बोलेंगे जैसे दूसरे जानवर छोटे जानवर को खाता है तो उसमें से कुछ जानवर हैं जैसे लायन टाइगर किंग फिशर स्नैक एमकदम और इसमें एक स्नैक में खासियत क्या है वो पूरा जिंदा इंसान सॉरी हाँ जिंदा इंसान भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे बड़े बड़े व स्नैक्स होते हैं अजगर ये सब वो पूरे एक इंसान को भी सॉलो कर सकते हैं ठीक है तो उसी प्रकार ये स्नै जो है किसी भी जानवर को पूरा स्वालो करके अपने पेट में डाइजेस्ट करता है जिंदा है जिंदा भी मरने के बाद भी ओके So some animals eat their fly the flies or remains of dead animals. Thus, they help to keep the jungle clean. Such animals are called scavengers. Jackal, hyena, vulture are among such animals. Some animals eat both plants and other animals like bear and bat are among such animals. Okay. a कुछ खाने जंगली जानवर मांस खाने के बाद कुछ मांस बच जाते हैं हड्डियाँ कुछ बच जाते तो ये सबको कुछ जानवर खाते हैं उनके डेड एनिमल्स जो मर जाते हैं उसके बाद जो जैसे कौन कौन से हैं जैकल है हाइना ये सब क्या करते हैं बचा कुचा खाना को भी पूरा सफ़ा चट कर देते हैं आपने देखा होगा जंगल मूवीज़ या किसी मूवीज़ में कि शेर का बचा हुआ फॉक्स खाता है हड्डिया कुछ ऐसा सब तो वो सब बचा हुआ इन लोग खाते हैं तो इससे क्या होता है एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है हमेशा और कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं घास भी खाते हैं प्लस मरे हुए जानवर भी या दूसरे जानवर को भी खाते हैं जैसे बियर एंड बैट होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अब हम देखेंगे कि ये कहाँ रहते हैं ये जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं किस जगह में रहते हैं और कैसे रहते हैं सम वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट बिल्ड देयर होम्स दे चूज नेचुरल सेल्टर्स कुछ एनिमल्स कुछ उनका तो किसी वाइल्ड लाइन में कुछ रहता नहीं होगा फिर भी जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो उनका घर में नहीं रहते नॉर्मली दे लिव ही अंदर सचस सेल्टर्स होते हैं जैसे देखेंगे हम लायन बियर्स टाइगर्स वोल्फ एंड फॉक्स लिवस इन दर डेंस एंड केव्स गुफाओं ऐसे सब जगह में वो जाके अपना जगह बनाते हैं रहने के लिए एलिफेंट एंड डियर लिव अंडर द सेड ऑफ बिग ट्रीज जेबरा हाइट दे टॉल ग्रासेस मंकीस एंड लंग ऑन ट्रीज स्नेक्स लीव इन होल्स बर्ड्स मेक देयर नेक्स्ट ऑन ट्रीज ठीक है तो बच्चों तो बच्चों देखा जेबरा कहाँ रहता है सॉरी जेबरा पहले एलिफेंट की बात करें ठीक है एलिफ़ेंट एंड डियर डियर ये जो रहते हैं बड़े बड़े पेड़ों के साइड में जाके बैठते हैं अपना आराम करते हैं उन लोग और जेबरा क्या करता है बड़े बड़े ग्रास बड़े बड़े घास के बीचों बीच में जा छुप जाता है क्योंकि उत्ता बड़ा बगा उनको सैड कर लेता है और मंकीस और लंगूर इनको तो आपको पता ही होगा नॉर्मली ये पेड़ में रहते हैं तो इन लोग पेड़ में रह जाते हैं और स्नैक्स स्नैक्स क्या करता है चूहे के बिल में जा कर रुक जाते हैं स्नैक्स क्या करता है चूहे के बिल में जाके छुप जाता है अब तो खुद से तो बना नहीं सकता सांप तो चूहे के बिल में रहता है और चिड़िया जो क्या करते हैं चिड़िया अपने खुद के लिए नेस्ट बना के पेड़ों में रहती है यहाँ दिया है जैसे जेवरा इन टॉल ग्रासेस लंगूर ऑन ए ट्री स्नेक इन अ होल बर्ड इन अ नेस्ट ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स आर सम अ पार्ट वाइल्ड एनिमल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन वी शुड प्रोटेक्ट दम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर इन डेंजर शर्टन एनिमल्स लाइक टाइगर इंडियन रायनासोरस एशियन एलिफेंट रेड पांडा स्नो लेपर्ड ग्रेट इंडियन बर्स्टार्ड आर वेरी फ्यू इन अ नंबर नाउ दिस एनिमल्स विल सून डिसअपियर इफ़ वी डो नॉट प्रोटेक्ट दम ठीक है कुछ कुछ क्या बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं तो इन जानवर को हमको सुरक्षित करना पड़ेगा और उनको संग्रहण करना पड़ेगा ताकि कोई भी हंटिंग लोग जो आजकल हंटिंग करते हैं दूसरे जानवरों को वो कम हो सके ताकि हम उनको बचा सकें बहुत सारे जानवर जैसे इंडियन डाइनासोर्स के बारे में देखें रेड पांडा स्नो लेपड़े सब को हमको अभी सिक्योर करना पड़ेगा ताकि हम तो अभी देख चुके हैं हमारे आने वाला पीढ़ी हम अब उसको देखने नहीं मिलेगा ओके तो आज हमने क्या सीखा बच्चों देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट सबको पता है जंगली जानवर नेचुरल ही जगह में ही रहता है वाइल्ड एनिमल्स मे बी बिग और स्मॉल दोनों तरह के होते हैं छोटे और बड़े सम एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर लिव इन डेंस एंड केव्स डेंस में और केव में दोनों को अपने हिसाब से अलग अलग रहते हैं उन लोग एन एलिफेंट लिव्स अंडर द सेड ऑफ ए ट्री जेब्रा हाइड इट्सल्फ़ इन अ टॉल ग्रास, ठीक है एलिफेंट्स नॉर्मली बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहते हैं और जेबरा बड़े बड़े घासों के बीच में घुस जाते हैं ताकि वो छुप सकें रात को सो सकें वी मस्ट प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स हाँ ये बात तो सही है कि हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स ताकि फ्यूचर में ये ना हो कि हमने हमारे दादा टाइगर देखे थे हमने हमारे पापा बोलते थे कि टाइगर है सो वी शुड प्रोटेक्ट दम सो वी कैन सेव दियर लाइव्स और प्रोटेक्ट मोर टू नो मोर टू नो प्लान्टटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बी वोरेस्ट ठीक है घास खाने घास खाने वाले या ग्रास खाने वाले जानवर को हम हर्बी वोरेस्ट बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कोल्ड कार्निवॉरस ठीक है कार्नी वोरेस्ट ठीक है जो मटन या मीट या जो ये खाते हैं दूसरे जानवरों को उसको हम कर्नीस बोलते हैं ठीक है एनिमल्स इटिंग बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस ठीक है जो दोनों को ही खाता है हमने पढ़ा था कौन कौन था वो एक तो बियर था दूसरा बैट ठीक है ये दोनों को खाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों ओमनीोरस एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोस विच आर लाइकली टू डिसअपियर इन द फ्यूचर एंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने की कगार में ऐसे जानवर जो कि अभी विलुप्त होगा फ्यूचर में अगर हम प्रोटेक्ट नहीं किए तो ओके सो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू सी दैट इज सिक्स और नेक्स्ट डे तो फिलहाल अभी फिलहाल हम वाइल्ड एनिमल्स देखें हम इसी पे अभी समाप्त करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स वी मीट ऑन नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू जाने से पहले हम देखते हैं वर्कशीट आज जो पढ़े उसके बारे में कि क्या पता क्या हम वर्कशीट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करते हैं चलो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन दास एनवायरनमेंट हमने क्या पढ़ा था कौन से एनवायरनमेंट रहते हैं यस नेचुरल या गुड दैट इज करेक्ट आंसर नेचुरल बर्ड्स बिल्ड देयर कहाँ बनाते हैं नेस्ट में एलिफेंट एंड जिराफ आर एनिमल्स क्या खाते हैं उन लोग एनिमल्स एलिफेंट और जिराफ प्लांट्स ठीक है मैं बताया था आपको प्लांट्स खाते हैं लायन एंड टाइगर आर द आर डाश हिटिंग एनिमल्स क्या खाते हैं उन लोग फ्लैश गाते हैं क्या मीट ठीक है फ्लैश खाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर इन डैश सही बात है लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्या होने वाला है विलुप्त दैट इज इन डेंजर ऑल एनिमल्स आर इन डेंजर ट्रू और फॉल्स लेट्स ट्रू ऑल फॉल्स डियर जेबरा एंड जीराफ आर डोमेस्टिक एनिमल्स फॉल्स ठीक है हो ही नहीं सकता लाइन टाइगर्स एंड वोल्स लिव इन डेंस हाँ वो तो डेंस में ही रहते हैं ओके करेक्ट ट्रू दैट इज थर्ड सेकेंड वन थर्ड डियर इज अर्बी वोरेस हाँ वो तो घास खाता है सो हर्बी वोरेस इज करेक्ट ट्रू जिराफ इज अ कॉर्नी सॉरी जिराफ कॉर्नी नहीं हो सकता ओकेर इज़ अमनिवरस ओके लास्ट वी हाव स्टडीड ओमनीस टू टाइप्स दैट इज़ बियर एंड बैड सो बियर सही है और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नीचे दे दूंगा आप उससे कॉपी करके लिख सकते हैं ठीक है थैंक यू और एक चीज़ देखा है नीचे दिया हुआ है लेट्स एक्सप्लोर कलेक्ट पिक्चर ऑफ एंटेंशन एनिमल्स एंड मेक अ पोस्टर ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड तो क्या करना आप लोग uh, कुछ वाइल्ड प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो अभी एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में है जो विलुप्त होने कगार में उन लोगों का पुस्टेस आपको बनाना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू